subscribe to my channel Zaika Kanpuri and also press the bell icon. You will never miss out my upcoming videos. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सुमैया एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सांभर की रेसिपी, जो हम बिना सांभर मसाले के बनाएंगे। मतलब मेरा ये है कि हम सांभर मसाला जो है वो घर पर ही बनाएंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे। तो चलिए हम आपको मसाले में ऐड होने वाले इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने चना दाल ले ली है, ये एक टेबल स्पून है। जीरा हमने ले लिया, ये भी एक टेबल स्पून है। गरी मैंने एक टेबल स्पून ले ली है। यहाँ पर मैंने सूखी धनिया लिया यानी खड़ी धनिया, ये दो टेबल स्पून है। कड़ी पत्ता हमने लिया है 10 से 12 पीस। लहसुन लिया है हमने 6 से 7 का लिया। अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है। प्याज मैंने एक छोटे साइज़ का लिया है। राइस मैंने लिया है चावल, ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। और इलायची जो बड़ी है वो छोटे साइज़ की लिया है, वो मैंने 1 लिया है। लवंग मैंने 1 लिया है। और जो एक होल मिर्ची है, सब बोली खा देते हैं आपको जो सांभर में ऐड होने वाली है। देखिए मैंने ये लौकी ले लिया है, लौकी के छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस कर लिए हैं। मूली ले लिया है, मूली भी मैंने चौकोर चौकोर काट लिया है। ग्रीन चिली मैंने 3 ले ली है, उसे भी कट कर लिया है। टमाटो मैंने 3 स्मॉल साइज़ के लिए, उसे भी कट कर लिया है। फ्रेंड्स आप चाहें तो अपने पसंद की भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मेरे फ्रिज में जो मुझे मिल गया मैंने वो ऐड कर लिया। 1 कप यहाँ पर मैंने तूर दाल ले ली है, यानी कि जो अरहर दाल होती है वो, इसे हम 1 कप दाल है तो 2 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से 2 विसल लगा लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देते हैं। देखिए हमारा पैन गर्म हो गया है, ऑयल भी अच्छे से हो गया है। इसमें हम जीरा डाल देते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसमें हम धनिया डाल देते हैं, चना दाल ऐड कर देते हैं, राइस ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को। अब इसमें जो बाकी के मसाले हमने आपको दिखाए थे वो सब ऐड कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पाउडर फॉर्म में मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, जो हमने आपको नहीं दिखाए थे। हल्दी 1/2 टीस्पून, मेथी का पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, इसे भी हम ऐड कर देते हैं। देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, 2 मिनट तक स्लो आंच पर भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस स्टोव बंद कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स हमारा मसाला जो है ठंडा हो गया अच्छे से। इसी वक्त हम इसमें चुटकी भर हींग भी ऐड कर देते हैं। हींग ऐड करने के बाद ये मसाले को हम अपने जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स मसाले को हमने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसका अच्छा पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर मेथी का पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप अक्खी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी होल मेथी। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा कितना बढ़िया तैयार हो गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी दाल भी अच्छे से बॉयल हो गई है। हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है अपने पैन में। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं, टमाटो ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटो को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स टमाटो जो है वो सॉफ्ट हो गया है। मसाला ऐड कर देते हैं जो बनाया था हमने। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स मसाला अच्छे से भुन रहा है। इसमें हम अब सॉल्ट ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, जो हमने आपको इंग्रेडिएंट में नहीं दिखाया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लौकी ऐड कर देते हैं हम, मूली ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी वेजेस मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं हम। पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम सब्ज़ी को टेंडर करेंगे लिड लगाकर। पानी हमने 1 ग्लास ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। इसमें ग्लास मेरा छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। फ्रेंड्स ये जो जितनी भी वेजिटेबल है बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसी तरह से वेजिटेबल ली है। देखें फ्रेंड्स हमने 1 ग्लास पानी ऐड किया था सब्ज़ियों में और अब देखिए इसका पानी धीरे धीरे खुश्क हो रहा है। इसी से हमारी सब्ज़ी जो है अच्छे से गल जाएगी।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक गिलास पानी में से, मुझे नहीं लगता कि इसमें आधा गिलास भी पानी बचा होगा, देख सकते हैं आप। और वेजीज भी हमारी अच्छे से टेंडर हो गई हैं। अब हमें क्या करना होगा, जो दाल हमने बॉईल की थी उसे ऐड कर देते हैं इसमें अपने सांभर में। और अब अच्छे से कर देते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने इसे। अब इसमें एक गिलास पानी हम और डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, एक कप दाल में हमारा कितना सारा सांभर रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सांभर जो है अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम आपको इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं। एक देखिए, ये है हमारे पास इमली का पल्प, ये मैंने मार्केट से लिया है इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है। और इसमें मैंने एक स्पून यानी एक टेबल स्पून जो है इमली का पल्प लिया है और एक टेबल स्पून गुड़ लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके मेल्ट करके ये आपके सामने दिखा रही हूँ। इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, गुड़ और इमली बहुत ज़रूरी है हमारे सांभर में। ये अच्छे सांभर का सीक्रेट होता है। अगर आपके पास गुड़ ना मौजूद हो घर पर तो फिर आप शक्कर भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास इमली ना मौजूद हो तो आप खटाई डाल दीजिए, यानी कि जो अमचूर पाउडर होता है। लेकिन प्लीज़ ये दोनों इंग्रेडिएंट ज़रूर ऐड कीजिए, तभी आपका सांभर अच्छा बनेगा। नमक चख लेंगे, अगर कम होगा तो और ऐड कर देंगे। हमने अपना नमक चख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें अब नमक की ज़रूरत नहीं है। और इसे जैसे ही उबाल आएगा वैसे हम गैस स्टोव बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सांभर में उबाला आ रहा है, पहला उबाला आ गया है। और अब हम इसको स्लो आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे, 2 से 3 मिनट। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस स्टोव बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सांभर बन गया, अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने कड़ी पत्ता ले लिया है तड़के के लिए। 1 टेबल स्पून हमने सरसों ले ली है, 2 हमने होल चिली ले ली है, रेड वाली यानी कि लाल मिर्ची, इसे मैंने पीस से तोड़ लिया है। तड़के के लिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से हो गया है, इसमें सबसे पहले हम सरसों ऐड कर देंगे और इसे भी फिर से रख देंगे आँच पे जब तक कि चटक नहीं जाती। सरसों अच्छे से चटक गई है, अब हम कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं, लाल मिर्ची ऐड कर देते हैं और अब गैस स्टोव पर चढ़ा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाल मिर्चा जो है बहुत अच्छे से कलर चेंज कर चुका है, अच्छे से पक गया है। अब तड़के का गैस हम बंद कर देते हैं और तड़का ऐड कर देते हैं अपने सांभर के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सांभर अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत जल्दी रेडी हो गया है, घर के सामान से ही बन गया है, कुछ भी बाहर से नहीं मंगाना पड़ा है, मसाला भी हमने घर पर ही बनाया है। सांभर कैसा बना ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।